Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द दे हिंदू देन हम कवर करेंगे lastly, आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वो का पार्ट और ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट्स की अंडर अंडर सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड डो नॉट फोरगेट टू हिट ऑन दैट bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए रिसेंट में देखा गया आपका कि डोनाल्ड उस टाइम पर पर इन एक पर्सन ने आपकी गांधी अटैक किया एंड यूल ही सर्वाइव दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट ओल्ड तो देखो आपको कुछ ज्यादा जानना नहीं है इस न्यूज में से आपको थोड़ा सा जो आपको जिस्ट मिलना चाहिए या आपको जानना चाहिए कि लोगों में आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पे टॉलरेंस हो गई है बिल्कुल नेगलेजिबल या कह सकते हो आप जीरो टर्न हो रही है आपकी टॉलरेंस टूवर्ड्स एनी थिंग एंड पीपल हेव स्टार्टेड यूजिंग आर्म्स नाउ एट एंड अगर आप यूएसए में आपने ऐसी पॉलिसी रख रखी है आपने वहां पर गन्स को एंड आर्म्स को अगर आप उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली तो आप देखने को ये चीज़ आपको कॉमन होती है यूएसए में ये चीजें होती ही रहती हैं आप बोलते हो कि हाँ हमारा नेशन बहुत सेफ है हमारी कंट्री बहुत सेफ़ है बट आप वहाँ पे गन्स एंड आर्म्स भी अपने रेगुलेट नहीं कर पाते हो पीपल हैव ओपन एक्सेस टू देम कोई भी जा सकता है परचेज कर सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स देखते रहते हो ओपन फायर हो जाती है कभी कभी इन पोलिटिकल स्कूल्स ऑल्सो एंड लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट सो so, ये सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं सो so, एक नीड है आपको कि आपको जो आपके आर्म्स हैं और गन्स हैं उन्हें रेगुलेट करने का टाइम आ गया है फॉर यू इन्हें अब नीड है कि ये इसके ऊपर एक्ट्स बनाएं इसके ऊपर रूल्स बनाएं से वर्क करें एटलीस्ट इंडिया में वी डो हैव सर्टन रूल्स रिगार्डिंग इट दो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई यू नो टू यूज इन वेज टू गेट इन आर्म्स इन गन्स बट अभी तक हमारे पास एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स है देन यू एस एंड यूएसए के पास टाइम है अब कि वो इसको सोचे इस पे रूल्स बनाए और इसे इम्प्लीमेंट करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री नेक्स्ट न्यूज पे आएंगे नेक्स्ट न्यूज है आपकी अल्माती डैम से रिलेटेड अब देखो ये जो आपका डैम है ये न्यूज में तो रहता ही रहता है क्योंकि आपके आंध्र प्रदेश के बीच में और कर्नाटका के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डैम और इसमें कितने चेंजेस करने हैं तो अब कोई डैम अगर आपका न्यूज में होता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी को उस पर क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है तो हम इस डैम को डिस्कस करेंगे देखो ये जो आपका अलमाती डैम है दिस इज दिसड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर सो किस रिवर पे है आपको कृष्णा रिवर पे है आप याद रखेंगे इन नॉर्थ ऑफ कर्नाटका सो लोकेटेड है आपका कर्नाटका मे डैम रिवर पहले इंपॉर्टेंट हो गई रिवर है आपकी कृष्णा रिवर कहाँ पर है आपका लोकेटेड लोकेशन वाइज इट्स इन कर्नाटका सो दोनों के आपको ये चीज याद रखनी है कंप्लीट हुआ था आपका जुलाई टू थाउजेंड फाइव में आपका डैम बन गया था थोड़ा सा कृष्णा रिवर के ऊपर भी देखेंगे देखो कृष्णा आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है अब पहले ये याद रखना है ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्योंकि बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें दे आर यू नो दे गिव यू फोर ऑप्शन जहां पर आपको ऑर्ड वन आउट फाइन करना होता है उस पर आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर रख देंगे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर रख देंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है देन आप यू के नॉट फाइंड दैर सो उस पे स्टैटिक पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं याद रखना कृष्णा इज अस्ट फ्लोइंग रिवर एंड दरिजिनेट फ्राम महाबले इन महाराष्ट्रिजिनेट कहा महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र एंड इटमर्जेज इन टू द वे ऑफ बंगोल सो ये एंड में जाके ड्रेन कहा होती है वे ऑफ बंगोल में ड्रेन होती है तो ये भी आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आते हैं स्टेटिक पोर्शन में है कहाँ से फ्लो होती है महाराष्ट्र में फ्लो करेगी जहां से ओरिजिनेट हो रही है देन कर्नाटका में फ्लो करती है तेलंगाना में फ्लो करती है एंड आपके आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है ये पर्टिकुलर रिवर ठीक है तो चार स्टेट में ये आपकी फ्लो करती है इंडिया की याद रखेंगे कृष्णा इज द सेकेंड बिगेस्ट रिवर इन पेनेंसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी सो गोदावरी के बाद में आपकी सेकेंड बिगेस्ट रिवर है कृष्णा पेनेंसुलर इंडिया में ओके okay? नेक्स्ट यहाँ देखेंगे देखो लाल बहादुर शास्त्री डैम इज ऑल्सो नोन एज अल्माती डैम तो अल्मी डैम का एक और नेम है आपका लाल बहादुर शास्त्री डैम नेक्स्ट आएंगे देखो रिसेंट में अभी हमने अपलोड करी है मोस्ट करंट अफेयर्स फॉर इम्पॉर्टेंट कार्वेंटी ट्वेंटी फोर अभी अपलोड कर दी गई है काफी अच्छा सेशन है अगर आप सीडीएस दे रहे हो अगर आप एनडीए दे रहे हो और अगर आप एफ कैट दे रहे हो इस बार का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू ठीक है सेकेंड पार्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए पार्ट वन इसका आ चुका है ऑलरेडी अपलोडेड है जरूर जाके चेकआउट करना उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने की तो जरूर जाके देखना वो ओके नेक्स्ट आएंगे हम ऑपरेशन धनुष अब देखो आपको बहुत कुछ नहीं जानना है इस ऑपरेशन के बारे में सिंपल चीज है ऑपरेशन धनुष आपका कहा चल रहा है एलओसी के पास चल रहा है मतलब जे के रीजन में आपका चल रहा है धनुष ऑपरेशन ऑन गोइंग मिलिटेंट ऑपरेशन है मिलिट्री का ऑपरेशन है आपका इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है बेसिक पर्पस क्या है या एम क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का या ऑपरेशन का कि काउंटरिंग द इनफिल्ट्रेशन बिड्स एल ओसी टू सेंड मिलिटेंट्स टू द द कश्मीर वैली सो जो भी आपके मिलिटेंट्स कश्मीर वैली में आ जाते हैं उनको इनफिल्ट्रेट करने से रोकना है जो आ रहे हैं हमारे यहाँ क्योंकि देखो रिसेंट में अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जे एंड के में आपके बहुत सारे मिलिटेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं ठीक है अराउंड फोर टू फाइव तो हमने न्यूज में देखे ही देखे हैं सो so, ये इंसिडेंट्स आपके बढ़ते ही जा रहे हैं सो so, इसी ही काउंटर करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी आई है और इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन धनुष लॉन्च किया है तो आपको नेम ऑफ ऑपरेशन पता होना चाहिए इसका रीजन पता होना चाहिए कि किस लिए आए हैं सो दैट हम जो आपके मिलिटेंट्स हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं आपके हमारी प्रॉपर्टी में हमारे नेशन में उन्हें हमें हटाना है उन्हें हमें रिमूव करना है और इस इनफिल्ट्रेशन को रोकना है ठीक है नेक्स्ट आएंगे विम बिल्डन आपका रिसेंट मेरे को चल रहा था आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा ये न्यूज में भी था प्लस आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा था बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टार्स आल्सो वेंट देयर टू वॉच दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप आपकी ठीक है आपने विमबिल्डन आपका लंडन में हुआ था पहली चीज ये याद रखनी है विनर कौन रही है इस बार विनर इज खालोज ओके यहां पर आप देख सकते हो स्पेन से है ये ये भी आपको याद रखना है कहाँ से है स्पेन से है एंड इन्होंने डिफीट किसे करा है इन्होंने नोवैक जो डिफीट किया है एंड ये आपके सर्बियन प्लेयर हैं सर्बिया से हैं ये सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर लंडन में हुआ था इतनी ही चीज आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते ही रहते हैं नेक्स्ट आएंगे सी ए पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाइ द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड रूरल ऑन्टरप्राइजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी गवर्नमेंट एक नया इनिशियेटिव लेकर आई है मेन पर्पस यही है कि देखो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सो सबसे ज्यादा जो आपकी इकोनोमी है वो एग्रीकल्चर ही बना के रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से अभी तक ठीक है टॉप मोस्ट पे आता है और इसी सेक्टर को हम और ज्यादा इन्हांस करना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी सब सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप भी देखोगे आप बहुत सारे स्टार्टअप आपके एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं ठीक है सो इसके लिए कौन से इनिशिएटिव है? है, आए हैं द नेम इज एग्री श्योर आपको नाम याद रखना है एग्री श्योर आएगा थोड़ा सा और देखेंगे इसे देखो दिस इज एग्री श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च एग्री फंड स्टार्टअप एंड रूरल ऑन्टरप्राइजेज एग्री श्योर इसका फुल फॉर्म है एग्री एग्री फंड फॉर एंड रूरल ओके आपको याद रखना है क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार मेन यही होगा कि सपोर्ट करेंगे हम स्टार्टअप्स को बहुत सारे स्टार्टअप आपके आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में भी एंड जो आपके एग्री प्रिनोर्स हैं दैट इज एग्रीकल्चरल फील्ड में जो आपके ऑनटरप्रिनोर हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर एग्नोस्टिक एंड ट ऑल्टनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वेल एज डायरेक्ट इक्विटी सपोर्ट टू स्टार्टअपिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर सो एग्रीकल्चर के अलावा जो उसके सासलिंग करते हैं सेक्टर्स उसमें भी आपको देखने, देखने को मिलेगा की गवर्नमेंट आपको इनिशियटिव प्रोवाइड करेगी ठीक है इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर्स प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टमेंट दे रहेगी एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडवाइड किए जाएंगे बाई दी गवर्नमेंट मेन यू है टू पॉस्टर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर देखो हम सब चाहते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर वहां पर आपका टेक भी आए टेक से इम्प्रूवमेंट आए ताकि हम लोग और ज्यादा ग्रो करें इस सेक्टर को और ज्यादा अपने जो कॉम्पिटिटिव से ज्यादा अच्छे बने तो हमें चाहिए कि स्टार्टअप्स आए थोड़ी टेक लेकर आए इसका मेन पर्पज यही है कि इनोवेशन बढ़े आपका इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंड एंड दिस विल बी डन बाई द्लिशमेंट ऑफ रुपीज कैटेगरी टू ऑल्टर इन्वेस्टमेंट फंड इतना इन्वेस्टमेंट फंड रखा है उट एग्री श्योर हि नेक्स्ट आएंगे hours, माउंटेन he सिंह फ्रॉम यूपी tricolor फ्लैग ठीक है तो इन्होंने हमारे फ्लैग भी यूज करा है पहले आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है नितिश सिंह इज फ्रॉम यूपी इन्हों ने एक माउंटेन वॉनकरा कर है एन जस्ट नाइनटीन आवर्स बिग थिंग ओके द नेम विथ माउंटेन इज माउंट किन आप कि नाबलू है ये माउंटेन आपका कहां पर है मलेशिया में है आपका ये पर्टिकुलर माउंटेन मैप में देख लूंगी देखो ये है आपका मलेशिया एंड यहां पर है आपका माउंट किनाबाल सो दिस इज द पर्टिकुलर माउंटेन आपको भी पता कहाँ पर लोकेटेड है नेक्स्ट आएंगे अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही न्यूज है विच टीम स्पेन डिफीट टू द यूरो टाइटल 2024 सो so स्पेन अभी आपने देखा एक स्पेनिश ही पेनिश प्लेयर ने ही आपका विमबिल्डन भी विन किया एंड स्पेन ने ही आपकी क्लिंच करी है यूरो 2024 का टाइटल फुटबॉल से रिलेट करता है ये आपका टाइटल ठीक है सब किस डिफीट करा है इन्होंने इंग्लैंड को डिफीट किया है इसमें पर्टिकुलर इवेंट में थोड़ा सा और देखेंगे देखो आपका थ्रिलिंग फाइनल था यूरो 2024 का कहा पर हुआ था पहली बार लोकेशन कहा पर कंडक्ट हुआ था ये आपका जर्मनी में हुआ था सो so जर्मनी में आपका पर्टिकुलर टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ था फुटबॉल से रिलेट करता है इसके बाद में दिस विन सीमेंट स्पेन स्टेट इज आज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री एंड मेक्स देयर थर्ड टाइटल इन द लास्ट फाइव एडिशंस सो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा है यूरो टाइटल में आपका स्पेन बन गया है आफ्टर दिस पर्टिकुलर विन इनकी कौन सी विन थी थर्ड विन थी आपकी ये याद रखेंगे ये आपका सेवनटींथ एडिशन कंडक्ट हुआ था एडिशन ऑफ यूरो कप हुआ था आपका जर्मनी ने होस्ट करा था आपका ये पर्टिकुलर इवेंट जून फोर्टीन से जुलाई फोर्टीन तक था फॉर वन मंथ इवेंट इट वीम थी इसमें ट्वेंटी फोर टीम रही थी एंड विद जॉर्जिया मेकिंग इट्स डेब्यू ठीक है सो जॉर्जिया ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करा था स्टार मार्क कर लो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है ऑफिशियल मैसोर्ट ऑफ यूरोप ट्वेंटी ट्वेंटी टेडी बियर ठीक है सो उसे चूज किया था इन लोगों ने एज देयर पर्टिकुलर मास्क कोड सो ये जो आपके लिए पर्टिकुलर ये जो आप स्लाइड देख रहे हो पेज देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आ सकते हैं सो so, इसे याद रखना आपका जो 2024 का सीडीएस एफ कैट एंड एनडीई तीनों में ही इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका ठीक है नेक्स्ट आएंगे

फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें इन्हें जॉब प्रोवाइड करनी है उनका मिशन है सिक्सटी थाउजेंड प्रोवाइड करनी है बाई द ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो सोच के देखो मंथ्स तो आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और सिक्स मंथ्स में सिर्फ फाइव थाउजेंड के अभी इन्होंने एम लगा के रखा है सो so, अगर आप सिक्सटी थाउजेंड अचीव करना चाहते हो और अभी सिर्फ आपने फाइव थाउजेंड ही एम बनाया वो भी अचीव नहीं कर पाए तो स्टेट थोड़ा तो थो लैक कर रही है यहां पर ओके अंडर स्कीम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम आई टी बैकग्राउंड विल अंड स्पेशली डिजाइ शॉर्ट टर्म कोर्सेस होंगे फॉर मिनिमम ऑफ थ्री मंथस जिनसे वो ज्यादा आपकी स्किल्स इनहैस होंगे और इम्प्लॉयबल बन जाएंगे पोस्ट ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस इन वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड सोसाइटीज एंड प्राइवेट एंटीटीज में उन्हें प्लेस कर दिया जाएगा पार्टिसिपेंट विल रिसीव रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ फॉर दस्ट सिक्स मंथ फॉलोड बाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इफ नॉट डिप्लॉइड जॉब नहीं दे पाए तो भी दस हजार रुपए उन्हें दिए जाएंगे पर मंथ नेक्स्ट आएंगे देखो आप यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये हरियाणा का स्टेट है, है जिस जिसको ये बॉर्डर करता है वो भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट आएंगे हम टॉप फोर वर्ड्स पर टू पर फर्स्ट वर्ड है आपका एज्सेशन द टेपरेवेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन रिजल्ट इन अनकॉन्शियसनेस एंड ऑफर डेथ अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपर समटाइम्स यू फील अनकॉन्शियस एंड इट लीड टू डेथ ऑल्सो देन वी हैव द सेकंड वर्ड नपचुल्स। ये आपके सबसे ज्यादा न्यूज में नहीं है अनंत अंबानी एंड राधे मोर्चिन की वेडिंग के टाइम पे सो उनके नपचुअल्स थे आपके नपचुअल्स मीन वेडिंग ओके एंड ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर वेडिंग देन वी हैव बिड विच जस्ट टू बिकम वी एंड लास्टली वी हैव जेनोफाइल विच इज वन इज अट्रैक्टेड टू फॉरन और पीपल अगर आपके कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो उनकी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो देन वी कॉल पर्सन अल अगर आपको किसी फॉरन लैंग्वेज कल्चर से फोबिया हो जाता है या आप बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हो उसको तो सिंपली वॉट विल यू से दैट इज अनो फोबिक इनस्टेड ऑफ फाइल वील जूड फोबिक लास्ट हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फिंडी डे पे I hope you'll answer this in the comment section. And if you have seen this video, then make sure you like this session, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.